भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या इन दिनों विमान का इमरजेंसी एग्जिट डोर खोलने को लेकर हर तरफ चर्चा में है। हालांकि मामला 10 दिसंबर 2022 का है, लेकिन अब सामने आया है, जिसके बाद से हजारों सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि चलते विमान का इमरजेंसी एग्जिट डोर खोल देना बड़ी बात है। ऐसे में आपके मन में भी एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि कोई व्यक्ति क्यों विमान का इमरजेंसी एग्जिट डोर खोलता है और इसके नियम क्या क्या है। तो आज हम आपको फ्लाइट के एग्जिट नियम के बारे में बताते हैं। प्लेन में क्यों होता है इमरजेंसी एग्जिट डोर? बस, ट्रेन की आपातकालीन खिड़कियों की तरह विमानों में भी इमरजेंसी एग्जिट डोर होते हैं। अब इसके नाम से ही पता चलता है कि आपात स्थिति में इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें आपकी सुरक्षा के लिए ही बनाया गया है, ताकि आप आपात स्थिति में यहां से बाहर निकल पाए। खास बात तो ये भी है कि इमरजेंसी एग्जिट डोर के दरवाजों के पास वाली सीटों पर बैठने की कुछ शर्तें हैं। इमरजेंसी एग्जिट डोर खोलने पर क्या होता है? जानकारी के मुताबिक आमतौर पर इमरजेंसी एग्जिट विंग्स के पास होते हैं। इन्हें आप बिना किसी वजह के नहीं खोल सकते, क्योंकि उन्हें खोलने पर इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल शुरू हो जाता है और फिर सेफ्टी के लिहाज से पूरा चेकअप किए बिना प्लेन आगे नहीं उड़ाया जा सकता। मिड फ्लाइट में केबिन प्रेशर के चलते इमरजेंसी एग्जिट खोलना नामुमकिन हो जाता है। इमरजेंसी एग्जिट का इस्तेमाल कब कर सकते हैं? अब नाम से ही पता चलता है कि इमरजेंसी एग्जिट का डोर इमरजेंसी के वक्त ही खुल सकता है। इन्हें आपात स्थिति में इस्तेमाल के लिए बनाया जाता है, इसलिए इमरजेंसी एग्जिट को खोलने में ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। इसी वजह से इन दरवाजों के पास बैठने वालों को छोटी सी ट्रेनिंग भी दी जाती है। इमरजेंसी एग्जिट डोर के पास कौन बैठ सकता है? DCGA की गाइडलाइंस के अनुसार एग्जिट सीट पर बैठने वाले यात्री की उम्र 15 साल से कम नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही उसे इमरजेंसी से जुड़े सभी कायदे पता होने चाहिए। इसलिए चेक इन के दौरान यात्रियों से पूछा जाता है कि क्या वो इमरजेंसी की सूरत में बिना देरी के खुद को और दूसरों को चोट पहुंचाए बिना एग्जिट डोर खोलने के लिए फिट हैं या नहीं। नॉर्मल हालात में इमरजेंसी एग्जिट डोर खोलने वालों के साथ क्या होता है? ऐसी स्थिति में सब कुछ एयरलाइंस पर निर्भर करता है। अगर उन्हें लगता है कि व्यक्ति ने दरवाजा गलती से या अनजाने में खोला है, तो यात्री को माफी पर छोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर एयरलाइंस को दरवाजा खोलना उपद्रवी व्यवहार लगा, तो यात्री को नो फ्लाई लिस्ट में डाला जा सकता है।